हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे म्यांमार के बागान शहर। बागान म्यांमार के मांडले क्षेत्र का एक ऐतिहासिक शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर 9वीं से 13वीं शताब्दी तक बागान साम्राज्य की राजधानी था, जो प्रांतों को एकजुट करने वाला पहला राज्य था जो बाद में म्यांमार बन गया। बागान के मंदिरों को देखने का सबसे अच्छा तरीका एक उच्च सहूलियत बिंदु से है और एक गर्म हवा के गुब्बारे में पृथ्वी से 2000 फीट से अधिक ऊंचा या अधिक जबड़ा छोड़ने वाला भव्य सुविधाजनक स्थान नहीं है। हेलीकॉप्टर और अल्ट्रालाइट उड़ानों के विपरीत गुब्बारे की उड़ानें बेहद शांत और गतिहीन होती हैं, जो सूर्योदय की लाल कोण वाली रोशनी के साथ मिलकर बागान के मंदिर के मैदान को देखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति बनाती हैं। यदि आप संक्षिप्त गुब्बारे के मौसम के दौरान यात्रा कर रहे हैं तो अपने यात्रा कार्यक्रम अक्टूबर से मध्य अप्रैल में बागान के ऊपर गुब्बारे को शामिल करें। की स्थापना 2वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और बर्मी इतिहास के अनुसार प्रारंभिक बागान के संस्थापक के 34वें उत्तराधिकारी किंग पिनविया द्वारा 849 ईस्वी में किलेबंदी की गई थी। इलाकों में स्थित 3,822 बौद्ध मंदिरों, शिवालयों और मठों के कारण बागान को 3,000 पैगोडा की भूमि कहा जाता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक बागान बुद्धपरस्त साम्राज्य की राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र था। के ऐतिहासिक शहर के मैदानी इलाकों में करीब 2000 उल्लेखनीय रूप से बरकरार मंदिर और शिवालय हैं। बागान म्यांमार के मध्य मैदानों में मांडले क्षेत्र में मैग्वे क्षेत्र की सीमा के पास स्थित है। यह शहर मांडले से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इरावदी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। बागान में पर्यटन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनने से पहले अधिकांश मंदिरों ने लोगों को ऊपरी डेक पर चढ़ने की अनुमति दी। हालांकि, जब बढ़ते पर्यटक यातायात और कुछ दुर्घटनाओं ने मंदिर चढ़ाई के अनुभव को कलंकित किया, तो सरकार ने कदम बढ़ाया। आगंतुक केवल बागान में केवल 5 मंदिरों पर चढ़ने तक सीमित हैं और किसी भी समय अधिक प्रतिबंध घोषित किए जा सकते हैं। आप म्यांमार की सबसे लोकप्रिय साइट देखना चाहते हैं तो बागान को अवश्य देखना चाहिए। बागान इरावदी नदी के किनारे 2000 बौद्ध शिवालयों, स्तूपों और मंदिरों का एक विशाल समूह है।
यात्रा करना चाहते हैं उन्हें पता चलेगा कि देश का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। यांगून, बागान, इनले लेक, मांडले, हिसिपाव, कियाकटो और मेरकुई द्वीप समूह, सामान्य रूप से कोई पर्यटक प्रतिबंध नहीं है और अवकाश यात्रियों के लिए थोड़ा जोखिम पैदा करता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।